So hello everyone, welcome to Abhimanyu IAS #1 platform for your CSAT preparation, for your UPSC preparation। तो स्टूडेंट जैसे कि हम परसेंटेज करें बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस, हमने क्या मोड अपनाया हुआ है आपको ऑलरेडी पता ही होना चाहिए। हम बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। लास्ट क्लास में भी आपने देखा होगा हमने कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए, क्लियर है। खासकर वोटिंग वाले क्वेश्चंस को मैंने ज़्यादा प्रेफरेंस दी क्योंकि पिछले कुछ समय से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं गए, बट मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर परसेंटेज से कोई अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो वो आपका वैलिड इनवैलिड वोट्स के थ्रू बन सकता है। तो इसीलिए मैंने करवाए थे, तो आपने किए होंगे, नहीं किए तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वीडियोस में आपको कल की वीडियो में दिख जाएगा, क्लियर। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है जी, जैसा इस बार अच्छा परफॉर्म किया हमारे स्टूडेंट्स ने, मैं चाहता हूँ आप भी अच्छा परफॉर्म करें। तो इसीलिए हमारा फ्रेश बैच कमिंग सून है, बहुत जल्दी आ रहा है, आपको 2-3 दिन में पता चली जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड पूरा करवाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग पूरी करवाएंगे और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन कंप्लीट करवाएंगे। खासकर हमारा जो जोर रहता है ना, ये तो होता ही होता है, बट कॉम्प्रीहेंशन के लिमिटेड से लेक्चर होते हैं, बट हम यहाँ पे बहुत अच्छे लेक्चर देते हैं। और ये बैच मेरा चलेगा टिल एग्जाम, ठीक है। इसमें क्या स्ट्रक्चर रहता है मेरे पास, सिलेबस कंप्लीट करा के हम क्या कराएंगे, हम एमसीक्यू सेशंस की तरफ चलेंगे और प्लस प्रीवियस ईयर सारे कंप्लीट करेंगे टिल 2023, जैसे हमने पिछली बार किया था, क्लियर। तो प्लीज़ इनरोल हो जाइए इसमें। आपने क्या करना है, एडवांस मोटिवेटेड मेथड से अगर पढ़ना है तो इस नंबर पर कॉल कीजिए 951-777-1651। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप स्टूडेंट्स व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्लियर। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो, क्लियर। चलिए, तो आपने करना क्या है, फिलहाल आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए मेरे साथ, ठीक है। जल्दी ही नए बैच का अनाउंसमेंट होती है, आपका लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्लियर। चलिए, तो ये परसेंटेज का चार्ट हर लेक्चर में दिखा रहा हूँ मैं, रीजन क्या इसको दिखाने का कि ये आपने मस्ट करना है, याद करना ही करना है, आपने प्रैक्टिस इसकी करनी ही करनी है, इसको नहीं छोड़ सकते आप, क्लियर। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्राई कर सकते हैं इसको आप जल्दी से। मधु गॉट 32% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स in a bank examination and failed by 8 marks. However, Kumar, who took the same examination, got 42% of total marks and got 16 marks more than the cutoff marks. What was the cutoff marks in the examination? करिए देखो, सबसे पहली बात एक लाइन चार्ट बना लिया करो ऐसे, ये हो गया मिनिमम मार्क्स और ये हो गया मेरे पास मेरे मैक्सिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स हो गए, मैक्सिमम मार्क्स हो गए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मधु गॉट 32% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इन अ बैंक एग्जामिनेशन फेल्ड बाय 8 मार्क्स। देखो ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास पासिंग मार्क्स हैं। ऐसा क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, तो होपफुली अब ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। मधु की बात करें, मधु ने क्या किया भाई, 32% मार्क्स लिए, जो क्या है 8 मार्क्स कम है पासिंग मार्क्स है, ठीक है। एक और स्टूडेंट है कुमार, कुमार ने क्या किया 42% मार्क्स ले लिए, कुमार ने क्या किया 42% मार्क्स ले लिए, जो क्या है 16 नंबर ज्यादा, इससे 16 नंबर ज्यादा। देखो इस तरह क्वेश्चन में आपने क्या करना है, कंडीशन क्रिएट करनी होती है हमेशा। मेरे पास दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन ये, एक सिचुएशन ये। अगर मैं ये जीरो मानता हूँ तो यहाँ से यहाँ की वैल्यू कितनी है 42 और यहाँ से यहाँ की वैल्यू कितनी है 32। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, क्या 10 आई, इजंट इट। क्या मेरे पास यहाँ से यहाँ की वैल्यू 10 आई, और मार्क्स में कितना डिफरेंस है देखो 16, 8, 24। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं 10% मार्क्स इज इक्वल टू कितना 24। मुझे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हाट वाज द कट ऑफ मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, यानी मुझे क्या पूछ रहा है, या तो 42% में से 16 माइनस कर दो या 32% करके इसमें 8 ऐड कर दो। तो यहां पे 1% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2.4। सबसे पहले क्या करो 32% की निकालो, इसे 3 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया 30% की वैल्यू कितनी आ गई इंटू 3 72 आ गई। अच्छा 1% है, मुझे कितना चाहिए 2 चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस 4.8, तो कितना हो गया 76.8 आ गया। बट अभी तक आंसर नहीं आया, रीजन ये मेरे पास अभी किसके मार्क्स निकले स्टूडेंट्स, ये मेरे पास मधु के मार्क्स निकले, टोटल मार्क्स चाहिए पासिंग वाले, तो कितना हो गया 76.8 प्लस ऑफ कितना आपका 8, तो 84.8। अगर आप किसी का दिल करे कुमार के मार्क्स से निकालना, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए 10% की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। अच्छा 40% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, इंटू 4 करो 96 आ गई। अच्छा 2% और चाहिए, 2% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4.8। अच्छा 2% की वैल्यू कितना 4.8, यानी कितना आ गए 100.8 आ गया। बट इसमें से क्या करना, मुझे 16 माइनस भी तो करने हैं, 16 माइनस करोगे तो वही आंसर आएगा 84.8 आपका। क्लियर, तो कान यहाँ से पकड़िए, आंसर तो हमने लाना ही है, तो हम आंसर ला चुके हैं। क्लियर, तो फ्रेश बैच के इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। फॉर मोर इन्फो यू कैन कॉल अस एट 9517771651। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का लग रहा है मुझे ये। यस, रीड द गिवन डेटा बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। देखिए इन द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन लास्ट ईयर 53% स्टूडेंट पास इन बायोलॉजी, 53 बायोलॉजी, 61% पास इन इंग्लिश, 60% इन सोशल स्टडीज, 24% इन बायोलॉजी एंड इंग्लिश। अच्छा डबल वाला है 35% इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज, ठीक है, 27% इन बायोलॉजी एंड सोशल स्टडीज एंड 5% इन नन। इसका मतलब टोटल जो 100% था उसमें से 5 ने नहीं किया। पहले एक फॉर्मूला देख लो जरा, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, दिख रहा होपफुली तो पे बिल्कुल दिख रहा है। ये क्या होता है एन ऑफ ए प्लस ऑफ एन ऑफ बी प्लस ऑफ एन ऑफ सी माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस ऑफ एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सबका कॉमन ये मुझे निकालना है, ये निकलेगा उसके बाद ही मेरा आंसर आएगा। ठीक है, देखो अब मुझे क्या दिया, मुझे पहले डायग्राम बना लेना चाहिए इसका। ठीक है, देखो उसने क्या बोला 53 इन बायोलॉजी, तो बायोलॉजी की बात करूं कितना 53% है मेरे पास। जो डाटा दिया वो पहले लिख लो, उसमें हम भर देंगे, सिर्फ वैल्यूज भरनी है उसमें और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 61% इन इंग्लिश 61%, 60% इन, एक मिनट 53 इन 61 इन इंग्लिश, 60% इन सोशल स्टडीज। ये क्या हो गया सोशल स्टडीज, कितना आ गया मेरे पास 60% आ गया सोशल स्टडीज, दिख रहा है। हाँ जी ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहा है मुझे वो, ये मेरे पास है नहीं है। ठीक है, 35% इन इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज, इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज मतलब ये वाला पोर्शन कितना है, पूरा पोर्शन ये वाला 35%। ठीक है, ठीक है ये हो गया। अच्छा 27% बायोलॉजी एंड सोशल, मतलब ये कितना हो गया मेरे पास 35%, 27% बायोलॉजी एंड इंग्लिश कितना है मेरे पास, बायोलॉजी एंड इंग्लिश है मेरे पास 24%। ठीक है, बस उसमें भर दो इक्वेशन। हम 95 इज इक्वल टू बायोलॉजी 53 प्लस 61 प्लस ऑफ कितना 60 माइनस ऑफ 24, इसको के ले लो 24 माइनस ऑफ 27 माइनस ऑफ 35 प्लस के निकलेगा, सारी वैल्यूज निकल जाएंगे। देखो 95 इज इक्वल टू 5 तो 11 से 17 174 माइनस ऑफ 3 4 5 6 7 70 7 5 12 4 16 86 प्लस के ये कितना होगा देखो 8 9 17 181 माइनस ऑफ 174 इजिकल टू के, तो के यहाँ से कितना 7 आ गया। क्लियर, यहाँ से कितना आ गया मेरे पास 7। अगर ये 7 आ गया, अगर ये मेरे पास 7 आ गया तो ये कितना है 20 आया। अच्छा ये कितना आया 35 28 और ये कितना आ गया 17। ये बना मेरे पास, यही चीज मुझे निकालनी थी, यही चीज तो क्वेश्चन की डिमांड है कि मुझे बेसिकली वेन डायग्राम सॉल्व करना है इसमें। ठीक है, ये समझ आ गया 17 20 और 28। हम उसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द रेशियो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बायोलॉजी एंड सोशल स्टडीज बट नॉट इंग्लिश। बायोलॉजी एंड सोशल स्टडीज, बायोलॉजी एंड सोशल स्टडीज यही वाला कितना 20 रेशो टू द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास इन सोशल स्टडीज एंड इंग्लिश। सोशल स्टडीज एंड इंग्लिश कितना 28, तो 4 5 20 4 7 28 5:7 इज द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करिए और आगे बढ़िए। क्लियर हो गया, नोट कीजिए फटाफट इसको जरा। चलिए होपफुली क्लियर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ मैं। चलिए, ऐसा क्वेश्चन शायद हमने लास्ट क्लास में भी किया था, बट उसमें क्या था इक्वल नंबर ऑफ जो वेराइटीज थी वो थी मेरे पास, बस इसमें थोड़ा सा अलग है। अ मैन रीड्स 3/7 ऑफ अ बुक ऑन अ डे एंड 2/5 ऑफ द रिमेनिंग ऑन द सेकेंड डे। इफ द नंबर ऑफ पेजेस स्टिल अनरीड आर 36, हाउ मेनी पेजेस डिड द बुक कंटेन। करिए जरा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा दिमाग आजमाइए। ऐसा क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, करिए। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, नए बैच की इंफॉर्मेशन वहीं आने वाली है सारी। ठीक है, चलिए। अब मैं रीड 3/7 ऑफ अ बुक ऑन अ डे 1। देखो अब 3/7 एंड 2/5 आपको करना क्या है, पहले कितना दिया 3/7 फिर कितना 2/5। आपने कुछ नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना, सिंपल क्या करना आपने 7 और 5 का एलसीएम ले लो। कितना एलसीएम आया, मैंने माना मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस 35 है। ऐसा नंबर जो डिनोमिनेटर से कट रहा हो, रीजन लेने का क्या है, इसको लेने का रीजन सिर्फ एक ही है कि आपको एक्चुअल डाटा जो है वो कैंसल आउट करने में, कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा ईजी। ठीक है, अच्छा अगर मैं डे 1 की बात करता हूँ, अगर मैंने बात की डे 1 की, ठीक है। अब मैन रीड 3/7, इसने 3/7 7 5 35 यानी 15, ठीक है 15 हो गए। ऑन 2/5 ऑन डे 2, बट शायद वो रिमेनिंग है 2/5 और रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग कितने हैं 20 बच गए। इसका 2/5 यानी 40% यानी 8, ये किस पे डे 2 पे। इसको आप रिमेनिंग लिख लो, ठीक है। अच्छा, इफ द नंबर ऑफ पेजेस स्टिल अनरीड, इसका मतलब मेरे पास क्या है 12 पेजेस कौन से अनरीड, 12 पेजेस कौन से रह गए मेरे पास अनरीड रह गए। अगर 12 मेरे पास अनरीड रह गए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया अनरीड 36, कितने गुना 3 गुना, तो इसे भी क्या करो 35 गुना 3 कितना हुआ 105। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, तो काफी आसान क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए टैंक ए एंड बी, देखो मैंने बताया था ना मेंस्ट्रुएशन टाइप पिछली बार भी हमने एरिया का किया था, अब ये भी हम करने लगे हैं। ठीक है, वो मेरे ख्याल शायद रेक्टेंगल का क्वेश्चन था और ये किसका, ये मेरे पास सिलेंडर का क्वेश्चन है। टैंक ए एंड बी और ये किसका, ये 3D का क्वेश्चन है, यानी ये वॉल्यूम का क्वेश्चन है। तो कोई भी हिस्सा अनटच्ड हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, कंप्लीट करेंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस एट 9517771651। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, टैंक ए एंड बी आर ईच इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगुलर सर्कल सिलेंडर। अगर मैं टैंक ए की बात करूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे। द इंटीरियर ऑफ टैंक ए हैज हाइट 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर है, एंड सर्कमफ्रेंस, देखो सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होगा, अगर ये रेडियस आर है तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा मेरा 2 पाई आर, इसको R1 ले लो, यानी 2 पाई R1 इज हाउ मच, 8 मीटर, 10 एंड 8। सो R1 कितना हो गया मेरे पास 4 बाई पाई। इसको 22/7 में जब बच्चे करते तब दिक्कत आती है। तो वॉल्यूम कितनी, वॉल्यूम 1 कितनी होगी मेरी, पाई आर स्केयर एच, यानी पाई इंटू आर कितना है 4 बाई पाई इंटू 4 बाई पाई, हाइट कितनी आ गई 10, तो कितना हो गया 4 चौके 16, 160/π m³। ये फर्स्ट वाले की आ गई, इजंट इट क्लियर। नेक्स्ट वाले की बात कीजिए जरा। हाइट कितनी है 8 मीटर एंड सर्कमफ्रेंस 10 मीटर, यानी 2 पाई R2 कितना 10, R2 कितना गया मेरे पास 5 बाई पाई। क्लियर। तो वॉल्यूम अगर 2 आप निकालेंगे तो स्टूडेंट्स कितनी आएगी, पाई R2 स्क्वायर एच, यानी कितना हो गया पाई इंटू 5 बाई पाई इंटू 5 बाई पाई इंटू ऑफ 8, तो 25/200 पाई आ गया, सॉरी हाँ 25/200 पाई आ गया। चेक कीजिए कैलकुलेशन जरा, क्या ठीक है, फटाफट चेक करो। क्लियर। अब मुझे क्या, देखो अब मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल मुझे पहले रेशो निकालो। 160/π ये इनिशियल था और फाइनल कितना था 200/π। कैंसल आउट, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, एक का इंक्रीमेंट, यानी क्या हो गया मेरे पास। अच्छा मेरे से पूछा क्या बेसिकली, द कैपेसिटी ऑफ टैंक ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी ऑफ टैंक बी। थोड़ा मिटा लें इसको जरा, मतलब ए की कैपेसिटी बी की कैपेसिटी का कितना है ये बताना है मुझे। बहुत ईजी आ गया तो, कि 4/5 इंट ऑफ 100%, ये कितना हो गया 20 और 20 को कितना हो गया आपके पास 80%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। उसी मेरे पास बिल्कुल सही आंसर है इसका, नोट कीजिए फटाफट जरा इसको। चलिए, होपफुली क्लियर होगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया, नहीं किया तो कर लीजिए। नए बैच के सारे डिटेल वहीं पे आपको पता चलने वाली है। चलिए, टू एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट नीड्स 40% मार्क्स, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, अ कैंडिडेट जस्ट पास द गेटिंग 10 आंसर करेक्ट बाय अटेम्प्टिंग 15 ऑफ द टोटल क्वेश्चंस। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द एग्जामिनेशन, की एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन है बताओ मुझे, बताइए। देखो, टू एन एग्जामिनेशन कैंडिडेट 40% मार्क्स, सिंपल सी बात है, 40% मार्क्स चाहिए, ऑल क्वेश्चंस आर कैरिड इक्वल मार्क्स, अ कैंडिडेट जस्ट हैज पास बाय गेटिंग 10 आंसर करेक्ट अटेम्प्टिंग 15 ऑफ द टोटल क्वेश्चंस। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द एग्जामिनेशन, तो अगर उसके हर के इक्वल मार्क्स हैं तो 40% की वैल्यू 10 आ गई, 100% निकालना है इंटू 2.5 इंटू 2.5। बहुत इजी था, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 25। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए 25 इज द राइट आंसर। क्लियर, इजी था ये भी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ मैं। चलिए, 20 लीटर, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी ऐसा। 20 लीटर ऑफ अ मिक्सचर कंटेन 20% अल्कोहल एंड रेस्ट वाटर। देखो सबसे पहले इसको तोड़ लो, सबसे पहले इसको तोड़ लो। कैसे तोड़ोगे? देखो मेरे पास 20 लीटर है, इसके अंदर अल्कोहल कितना है 20%, यानी 4 लीटर अल्कोहल हो गया। और तो वाटर कितना हुआ आपके पास 80%, यानी 16 लीटर अल्कोहल हो गया, और सॉरी वाटर हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे करना क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 लीटर ऑफ वाटर इज बीन मिक्सड, मतलब आपने 4 लीटर वाटर मिक्स कर दिया, इसमें मिक्स कर दिया। क्या अभी भी ये 100% होगा? यस, बट डेटा कितना हो गया? डेटा कितना हो गया? जो 20 था पहले वो 24 हो गया, जो 20 था वो कितना हो गया? 24 लीटर हो गया, इजंट इट? ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर 24 हो गया आपके पास, इसमें वाटर कितना हो गया? 16 × 4 20 लीटर हो गया। अच्छा, और अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, अल्कोहल कितना हो गया? अल्कोहल तो 4 ही है, मुझे क्या बोल रहा है? द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर। अल्कोहल कितना? 4, कितने में? 24 × 100%, 1/6, 100/6%, यानी 16.66%। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज 9517771651 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और जुड़िए हमारे साथ। क्लियर? और फियरलेस सीसेट एग्जाम यही हम करने वाले हैं। क्लियर? चलिए नोट करो फटाफट इसको जरा। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अब इस क्वेश्चन में आप लोग खुद बताओ मुझे क्या लगे। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए। बच्चे बेसिकली गलती क्या करते हैं मैं बताऊंगा आपको। देखिए, अनी स्पेंड 20%, 25% ऑफ सैलरी ऑन हाउस रेंट, 5% ऑफ फूड, 15% ऑफ ट्रेवल, 10% ऑन क्लॉथ्स एंड रिमेनिंग अमाउंट 22500 इज सेविंग्स। व्हाट इज द अनी सैलरी? देखो, जब मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया ना सैलरी वाले, उसमें क्या कर रहे थे हम? सबसे पहले 25% वैल्यू 1/4, 4 था तो 3 रह गया, 5% की वैल्यू 1/20, 20 था तो 19 रह गया, ठीक है। 15% वो ट्रैवल, 15% का मतलब 15/100, यानी 5 से 15, 20 × 500, 20 था तो 17 रह गया। 10% ऑफ क्लोथ वैल्यू 1/10, 10 था तो 9 रह गया। अब मेरी बात सुन, देखो ये मैं कब लगाता था, ये मैं कब लगाता था? ध्यान दो, क्वेश्चन को याद करो। जब मुझे क्या वर्ड दिया होता था? जब मुझे इस वर्ड की बात की होती थी, जब मुझे रिमेनिंग वर्ड दिया होता था ना, जब मैं वो चीज अप्लाई करता था। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, जब मैं रिमेनिंग वर्ड की बात करता था ना, कि आउट ऑफ रिमेनिंग इतना खर्च दिया, बचेगा इतना खर्चा, 10% ऑफ रिमेनिंग, 20% ऑफ रिमेनिंग, 50% ऑफ रिमेनिंग, जब मैं इस मेथड को अप्लाई करता था। बट अब यहाँ पे रिमेनिंग का नामो निशान है, ध्यान से देखो, अब यहाँ पे रिमेनिंग का नामो निशान भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? सिंपल, 100% है, ठीक है, उसने क्या किया? 25% सैलरी हाउस रेंट माइनस 25% कर दो, कहाँ पे? क्या हाउस रेंट पे। बचाओ कितना है? 75% होगा। 10% ऑफ क्लोथ्स माइनस 10 कर दो, कितना बचा? 65%, ये क्या है? क्लोथ्स एंड रिमेनिंग अमाउंट कितना? 3 चीजें हुई हैं, पहला था सैलरी एंड हाउस रेंट, 5% ऑफ फूड, कितना बचा? 70% बचा। पहला 25 था, दूसरा 5 था, फिर 15% ऑफ ट्रैवलिंग माइनस 15% ट्रैवलिंग, कितना बचा? 55%। फिर क्या बचा? 10% क्लोथ्स, ये ट्रैवलिंग पे 10% ऑफ क्लोथ्स, कितना बचा? 45%। कहने को तो 45 बच गया, बट मेरे पास कितना बचा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली? 22,500। समझ आ गई बात? तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, कि 45% ऑफ टोटल इजिकल टू 22,500। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 22500 ÷ 45। क्या ये 5 टाइम है? 45 × 5 = 225। यस, तो ये 500 आ गया। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? ऑप्शन नंबर डी 50,000। क्लियर? तो ऑलमोस्ट बहुत अच्छे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लेके आ रहा हूँ जो परसेंटेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से फिर हम कंपेयर करके देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन हमने किया और कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आए हुए। क्लियर? तो ये चार पार्ट प्लीज देखिए, परसेंटेज काफी कुछ क्लियर होगा। बट अगर आप बिल्कुल जीरो से बेसिक से करना चाहते हो तो प्लीज जुड़िए मेरे साथ। नंबर इज 9517771651। आप कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे, आप इस नंबर पे स्टूडेंट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्लियर? तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज वीडियो। चलिए मैं बैच बता दूं, नेक्स्ट बैच कमिंग सून, टारगेट सीसेट 2025। इसके अंदर क्वांटिटी एप्टीट्यूड पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और भी कंप्लीट पढ़ेंगे, कंप्लीट बिल्कुल कुछ भी चीज़ छूटेगी नहीं, ठीक है, विद एडवांस मॉडरेटेड मेथड्स। फ्रेश बैच कमिंग सून। क्लियर? फॉर मोर इन्फो यू कैन कॉल अस एट 9517771651। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पर स्टूडेंट आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आप चंडीगढ़ हमारी ब्रांच विजिट करना चाहें तो एड्रेस इज प्लॉट नंबर 7 ग्राउंड फ्लोर पंजाब केसरी बिल्डिंग सेक्टर 25 चंडीगढ़। अगर मॉल सेंटर करना चाहें प्लॉट नंबर C126 बिल्डिंग नंबर 2 4th फ्लोर फेस 8 इंडस्ट्रियल एरिया मोहाली। क्लियर? और प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप को अभी के भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।